देखिएगा विशाल मंजर, और पीछे ही नहीं गाड़ियों का इतना बड़ा काफिला, पीछे ही नहीं चार चार गाड़ियों की लाइन एक साथ चल रही है आप देखें, और इसके बावजूद इतना लंबा कारवां सर्विस लेन से लेकर के चारों तरफ तेजाजी महाराज के जयकारे लगाते हुए, बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो तेजाजी महाराज की जय। लाइव देखने वाले भी जयकारा लगाएं भाई, तेजा बाबा का जयकारा ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हम सबकी इच्छा थी कि पवनजी भाई साहब जब प्रदेशाध्यक्ष बनकर के सीकर की सरजमी पर आए तो लोग सीकर की रैलियां कैसे निकाली जाती हैं, नौजवान रैलियां कैसे निकाल सकता है, काफिले कैसे निकाल सकता है। आप देखें एक फिल्मों का सा दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा, आगे आगे दो ब्लैक कलर की थार चल रही है, बीच में पवन जी भाई साहब की BMW चल रही है, और उसके पीछे एक दर्जन ही दो दर्जन स्कॉर्पियो का डबल लेयर का काफिला है, और उसके पीछे फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है, दूसरी हमारी गाड़ियां हैं। वीर तेजा सेना राजस्थान ने आज दिखा दिया है कि अगर सही हाथों में कमान सौंपी जाए तो जनमानस उमड़ पड़ता है, सही हाथों में जिम्मेदारी सौंपी जाए तो लोग उस शख्स को अपनी पलकों पर बिठा लेते हैं। बिल्कुल देखिए आगे आगे डीजे चल रहा है, तेजाजी महाराज के गाने बजो, बोलिए जब बारह बारह निकला हाथ तोड़ रहा। ये देखिए पहुंचे सब बिल्कुल बाहर हाथ करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और ये विशाल काफिला, विशाल लवाजमा, और आप डीजे पर सिर्फ तेजाजी महाराज के गाने चलेंगे। मेरी गाड़ी में तो तेजाजी महाराज के गानों के अलावा कुछ बजता ही नहीं है, या तो म्यूजिक बंद चालू होता है तो तेजाजी महाराज के गानों से शुरू और वही खत्म। और देखिए डीजे पर तेजाजी महाराज के गीत भजन शुरू हो चुके हैं, आगे भी गाड़ियों का बड़ा काफिला, आप जो सामने देख रहे हैं रामू का वास्तव आया है, वहाँ जनमानस आदरणीय पवन जी साहब के सम्मान में खड़ा है। कुछ ही देर में ऐतिहासिक स्वागत आप रामू का वास तिराया पर देखेंगे, और ये देखिएगा सौभाषरी एक पुलिया से काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समाज का वो युवा तो समाज को आगे बढ़ते देखना चाहता है, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके आज इस पवन जी भाई साहब के विशाल लवाजमे के साथ है, विशाल काफिले के साथ है। बहुत मजबूत और जिम्मेदार आदमी को वीर तेजा सेना राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो रही है। युवाओं का उत्साह ये कह रहा है कि हमारा निर्णय सही था, मैं फिर कहना चाहूँगा पवन जी भाई साहब ने सब ना कर दिया था, लेकिन हम सब ने मिलकर के कहा कि भाई साहब आपसे उपयुक्त आदमी हमारे पास नहीं है, आपको ये जिम्मेदारी संभालनी होगी, आपके वो ये जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि जब किसी पॉजिटिव सोच के आदमी के हाथ में समाज के किसी संगठन की जिम्मेदारी आती है तो समाज भी आगे बढ़ता है, 36 कौम आगे बढ़ती है।
विराजमान चल रहा है। और आगे देखिएगा डीजे पर, अब ये रामू का वास्तु राय पर स्वागत द्वार सजे हुए हैं, तोरण द्वार सजे हुए हैं, आप दूर से ही देख पा रहे होंगे। गाड़ियों का दोहरा लवाजमा, डबल लाइन्स। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी तेजा भक्तों को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के युवा शक्ति को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हर उस सकारात्मक आदमी को जो बड़ा सोचता और बड़ा करता है। और अब हम रामू का वास्तु राय पहुंच चुके हैं और विशाल जनमानस इंतजार कर रहा है माननीय पहुंचे ढाका का स्वागत और सम्मान करने के लिए। विशाल लवाजमे के साथ, विशाल काफिले के साथ, और ये देखिएगा रामू का वास निराय पर पहुंचे के सम्मान के लिए, अभिवादन के लिए, अभिनंदन के लिए बड़ी संख्या में नौजवान खड़े हैं। बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा अभिवादन